सो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन कुछ गलत फहमियों के चलते अगर आप दोनों में कुछ दूरी आ गई है, नो कांटेक्ट आ गया है, तो जानते हैं क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो। सो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। सो नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टैरो 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, किसी भी सोशल मीडिया पे जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो हमारी आईडी है टैरो रीडिंग 2190। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा कर के आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और सेशंस बुक करा सकते हैं। पर आपको ध्यान रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं। ओके, और प्लीज़ नो कॉल्स, मैसेज के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कीजिए और अपनी रीडिंग्स बुक कराइए, क्योंकि हम कॉल्स नहीं ले पाते हैं। तो चलिए जानते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या आ रही है। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनका नाम दिमाग में 3 बार रिपीट कर लीजिए और उनका इमेज दिमाग में रखते हुए कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। सो एक प्रेयर के साथ हम इस रीडिंग को शुरू कर रहे हैं। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या है इनके पर्सन के दिल में, क्या है इनके पार्टनर के दिल में। सो निकाल लिया है मैंने कार्ड, देखते हैं क्या आ रहा है। पहला, फर्स्ट आया है द स्टार। ओके, सो द ब्यूटीफुल कार्ड इज हियर, अक्वेरियस, कुंभ राशि सबसे पहले निकल कर के आई है। सो जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है और ये ऑल साइन रीडिंग है, ठीक है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। स्प्रेड लेते हैं फिर जानते हैं क्या बोल रहे हैं ये कार्ड्स। अमेजिंग, टू ऑफ कप्स, दूरियां हैं लेकिन प्यार तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एस ऑफ वॉन्ड, वेरी नाइस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ओके, एट ऑफ कप्स, फाइन, ये आ रहे हैं आपके पर्सन के कार्ड्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, टेन ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ कप्स, वाओ, वेरी एसेस, एस के नीचे एस आ गया है जी। फाइव ऑफ कप्स, ओके, सो आपके पर्सन के दिल में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं जी, नहीं बताते हैं अपना सीक्रेट, प्यार छुपा के रखते हैं। सो यहाँ पे यही आ रहा है, देखिए प्यार छुपा, प्यार तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्यार आ रहा है, ठीक है, आज आपके लिए बहुत इंटेंस फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप नहीं तो और कोई नहीं, आज आपकी कमी उनको बहुत ज़्यादा खल रही है, परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, आपने भी कुछ बोला है, इन्होंने भी कुछ बोला है, बट इनके इमोशंस आज आपके लिए बहुत ही प्यारे आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, राइट। सो डेफिनेटली इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनके सोलमेट पार्टनर हो और आपके साथ जन्मों जन्मों का रिश्ता है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स आज बहुत ही ज़्यादा विशेस भी मांग रहे हैं, वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, उन्हें पता है कि आप ना सुपरस्टार हो, आपके जैसा कोई हो ही नहीं सकता, वो जितना भी ढूंढ ले, कहीं भी ढूंढ ले, किसी को भी देख ले, पर आपके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं, ठीक है, छोटी छोटी मोमेंट्स आपने बहुत प्यारी प्यारी शेयर की है, जिसको आज वो याद कर रहे हैं, छोटे छोटे लम्हे, बहुत प्यारे प्यारे लम्हे, जो भी कुछ आप दोनों ने आपस में शेयर किए हैं, बहुत ज़्यादा याद उनको आज आ रहे हैं, पुरानी बातों को, हर यादों को आज बैठ कर के सोचते हुए भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। ओके, सो
एक नई शुरुआत आपके साथ ज़रूर वो करना चाह रहे हैं आज, अगर मैं यहाँ पर इन कार्ड्स में देख पा रही हूँ तो। उनको देखो, वो जब आपको यहाँ से छोड़ करके गए थे, या फिर जब उन्होंने आपसे नो कांटेक्ट लिया था, या फिर आपसे बात करनी बंद कर दी थी, तो वो चीज़ें ना इनको आज ना बहुत ज़्यादा पछतावा दे रही है, बहुत ज़्यादा गिल्ट दे रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको छोड़कर जाना सबसे बुरा डिसीजन इनसे हो गया है। इनकी ज़िंदगी अंधेरे में चली गई है जब से ये आपसे अलग हुए हैं, है ना। कोशिश तो इन्होंने बहुत की कि सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ बढ़िया चलता रहे, लेकिन डिप्रेशन में आ रहे हैं। पास्ट को सोच करके, पास्ट की बातों को सोच करके आपकी यादों से बहुत ज़्यादा अभी परेशान हो रहे हैं। आप एक स्पेशल जगह रखते हो इनके दिल में, ठीक है, क्योंकि पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच में रहा है, सो इनको ऐसा लगता है कि आपके जैसा तो कोई और हो ही नहीं सकता, राइट। सो आपके लिए आज बहुत ही प्यार, बहुत ही एक अफेक्शन आपके साथ हो रहा है। मतलब शायद इन्होंने ऐसा पहले फील नहीं किया था जैसा ये आज फील कर रहे हैं, और इन्हें ये चीज़ समझ में आ रही है कि पहले हो सकता है आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, आपकी नहीं सुन रहे थे, लेकिन अभी वो चाहते हैं एक अपॉर्चुनिटी ताकि ये रिश्ता वापस से रिन्यू हो सके, ठीक है। और ओपन आर्म्स के साथ अभी ये चीज़ें, ये सब कुछ भूल के आपके साथ ओपन आर्म्स के साथ वापस एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर आपको बहुत जल्द एक प्रपोजल दें एंगेजमेंट के लिए, वेडिंग के लिए, या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके पास रीयूनियन के लिए कोई मैसेज आ सकता है, ठीक है। सो बहुत जल्द कोई ना कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं। अभी ज़रूर इनकी एनर्जीज थोड़ी सी लो दिखाई दे रही हैं, अभी ये जहाँ पर भी है वहाँ पर इनकी सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब है, ठीक है। अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है अभी ये, ठीक है। ये ना बोझ इनसे उठाए नहीं उठ रहा है कि प्यार तो आपसे है, ठीक है, थर्ड पार्टी तो डेविल आ गया है यहाँ पर, ठीक है। सो थर्ड पार्टी के लिए प्यार तो है नहीं, प्यार तो आपके लिए है, लेकिन वो चीज़ ना अब ये बोझ इनसे उठ नहीं रहा है। या तो ये थर्ड पार्टी को बता देंगे आपके बारे में, लेकिन इतना आसान भी नहीं है बता पाना। अगर ये थर्ड पार्टी हस्बैंड वाइफ या ऐसा कुछ रिलेशन है, या तो हो सकता है आपके पर्सन मैरिड है, ये कंडीशन ये है, अगर आपके पर्सन मैरिड है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनके लिए अभी मुश्किल हो रही हैं, ठीक है। और अगर ये अनमैरिड है तो डेफिनेटली यहाँ पर उनकी फैमिली अभी तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि फैमिली के को ये सपोर्ट करते हैं, मतलब फैमिली के लिए अभी ये या तो छोटी सिस्टर है, छोटा ब्रदर है, या फिर घर में कोई सिचुएशन ऐसी है कि ये अभी आपको कमिट नहीं कर पा रहे हैं। इनको इनको इनके घर में ना सब लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट है पैसों को लेकर के, फाइनेंशियली, ठीक है। कुछ इस तरीके की चीज़ें भी हैं, ये भी आप में से कई लोगों के पार्टनर्स के साथ है कि घर में कोई छोटी बहन या छोटा भाई या इस तरीके का कोई है, या फिर कोई बड़ी बहन या बड़ा भाई कोई है जिसकी शादी अभी नहीं हुई है या जिसका रिश्ता अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये वेट कर रहे हैं कि पहले उसका हो जाए, फिर ये अपना अपना प्रपोज़ल आगे बढ़ाएंगे। सो आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ये भी है। और अगर आप लोग मैरिड हैं और फिर भी अलग अलग हो गए हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है उसका यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी डिटैच हो रही है आपके पर्सन के साथ। अब आपके पर्सन ना अब ये लाइफ ढंग से जी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, बहुत ओवर बर्डन दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, ये पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये कहीं ना पेंटिकल्स पैसों के लिए ये रिलेटेड है आपके आपके पर्सन के ऊपर, और ये चीज़ें अब इनको परेशान कर रही हैं, राइट। सो बहुत जल्द आपके पास आना चाहते हैं। कुछ ना कुछ देखो, इनको ये भी लग रहा है कि पहले स्टार्टिंग में कुछ इमेच्योर रहे, आपसे झूठ भी बोला है, ठीक है, आपसे गलत बातें भी की है इन्होंने, कुछ तो भी इनके दिमाग में चल रहा है जो ये फील कर रहे हैं, ठीक है। अब वो फील कर पा रहे हैं कि आप दोनों में कुछ ना कुछ डिवाइन कनेक्शन ज़रूर है। आप लॉयल रहे हो हमेशा, आप मतलब इतना सब गलत करने के बाद भी आपने लॉयल्टी का साथ नहीं छोड़ा है, आपने इनका साथ नहीं छोड़ा है, ठीक है। इन्होंने चाहे जितनी हज़ार गलतियां कर ली हों पर उसके बावजूद भी आपने हमेशा इनको मिस किया है और हमेशा आपने इनको माफ़ भी किया है, ठीक है। ये इनको ये पता है कि ये कितनी भी गलतियां कर लें, ये कितना भी आपसे कुछ भी बोल लें, पर आपका प्यार कभी कम नहीं होता। सो डेफिनेटली यहाँ पर अभी मिलना तो चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। कुछ और एनर्जीज़ मैं यहाँ पर चेक कर लेती हूँ, कुछ और एनर्जीज़ दे दीजिए यहाँ पर डिवाइन प्लीज़, बजरंगबली प्लीज़, एंजल्स थैंक यू सो मच,
थैंक यू सो मच एनर्जीज देने के लिए, थैंक यू सो मच। सो देखते हैं यहाँ पर और क्या निकल के आई है एनर्जीज। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पहले टपक गया है आया है सबसे पहले सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सो क्या बोल रहा है ये कार्ड, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। देखो आप जो डिज़र्व करते हो ना वो आपको देना चाहते हैं, जो आपसे छीन लिया इन्होंने, ठीक है, जो मोमेंट्स आपसे छीने, जो प्यार आपसे छीना, जो लम्हा आपसे छीना, जो खुशी आपसे छीनी, वो आपको सब वापस देना चाहते हैं, ठीक है। अब वो चाहते हैं आपके साथ कमिटमेंट करना, अब वो चाहते हैं आपके साथ वापस से सब चीज़ों को नई शुरुआत करना, जो आपका है वो आपको वापस करना चाहते हैं, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फिर से आया है, सी दिस राइट, राशियाँ सारी आ गई हैं यहाँ पे। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फिर यही बता रहा है कि डेफिनेटली या तो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं, आपके लिए परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, और कुछ यादों को ज़रूर आज उन्होंने आपके सीने से लगा के रखा हुआ है। सिक्स ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, देखो उन्हें ये समझ में आ रहा है कि रास्ता उन्होंने गलत ले लिया, ठीक है। ये जो भी सिचुएशन इनके साथ में हुई है वो कहीं ना कहीं इनकी नाव को उठा करके किसी गलत जगह पर ले गई है, किसी गलत डायरेक्शन में ले गई है। सो यहाँ पर ये जो भी इनका गलत डिसीजन हो गया है नादानी में, जो भी कुछ ये सोच रहे हैं अभी जल्दबाजी में, नादानी में, बचपने में, या जो भी इनको चीज़ें उस टाइम क्लियर नहीं थी, हो सकता है आपके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, या आपके साथ कुछ लड़ाई हुई हो, झगड़े हुए हो, उसी फ्लो में अगर ये कहीं और चले गए या किसी और सिचुएशन में चले गए, तो अब उसका पछतावा इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो उन्हें पता है आप बहुत ही ज़्यादा डिवाइन सोल हो, बहुत ही प्यारे, सक्सेसफुल, प्रैक्टिकल एंड ओवर इंटेलिजेंट हो, ठीक है। अब इनको ये लग रहा है कि ये अब आपके काबिल ही नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि इनकी फीलिंग्स ना ज़रूर कहीं ना कहीं आपके आसपास ही घूम रही है, आपके आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो इनको, है ना। आपको लोगों की अटेंशन मिलती है, देखो लोग आपको ही देखते रह जाते हैं, आप इतने स्टनिंग हो, इतने ग्रेसफुल हो आप, ठीक है, आपका ऑरा इतना प्यारा, इतना क्लीन, इतने आप स्पिरिचुअल हो, ठीक है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, लुक वाइज भी बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम है अगर आप बॉय हैं तो, और अगर फीमेल है तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप में से कुछ लोगों की थोड़ा हल्की सी डार्क स्किन है बट ब्यूटी बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। आपको अपनी ब्यूटी पे काम करना बड़ा अच्छा लगता है, आउटिंग बड़ी अच्छी लगती है, घूमना फिरना अच्छा लगता है, एडवेंचर आप लोगों को बहुत पसंद है, अपने ऊपर खर्च करना आपको बहुत पसंद है, एंड आपको लगता है कि नहीं आपकी लाइफ लग्जरी होनी चाहिए, खूब पैसा आपके पास होना चाहिए, एंड दिस इज टाइप ऑफ फीलिंग्स उनको समझ में आ रही है। फोर ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, सो देखो यहाँ पर बहुत परेशान हो रहे हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, सो डेफिनेटली अभी जिस भी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है, बहुत ही ज़्यादा सफोकेटेड फील कर रहे हैं, उनकी सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है उनकी लाइफ में, ठीक है, खामोशी से अभी पड़े हुए हैं, वो चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ें अभी इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है या अभी इनके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, जिसका ये वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है ना वो बहुत ही ज़्यादा अभी पैथेटिक है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अभी ऐसे हाल में है कि वो अभी यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने अपने को यहाँ पर इसी सिचुएशन में फ़िलहाल में बांध करके रखा हुआ है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, सो यहाँ पर अभी थोड़ी सी गिल्ट में है, थोड़े से परेशान है, थोड़े से उनको टेंशन हो रही है कि आपके साथ क्या चल रहा होगा, आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, काफ़ी चीज़ें आपके बारे में सोच रहे हैं, एंड चीज़ें चाहते हैं ठीक करना, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, एक कैजुअल मीटिंग सोच रहे हैं, ठीक है, हो सकता है तो बहुत जल्दी आपको अप्रोच करें, राइट, बहुत जल्द आपको कोई मैसेज आए, या आपको अगर ब्लॉक किया है तो बहुत जल्द आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, थोड़ा ब्रोकन फील कर रहे हैं अंदर से, है ना। और क्या है, देखो ये जानते हैं कि ये अकेलापन जो है ना ये इन्होंने खुद ही अपने अपने जीवन में लेकर के आए हैं, राइट, तो यहाँ पर डेफिनेटली क्लैरिटी उनको धीरे धीरे आ रही है, चीज़ें उनको समझ में आ रही है और वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। हैंगमैन की एनर्जी ये बता रही है कि डिवाइनली कनेक्टेड हो रहे हैं अभी, ठीक है, थोड़ा सा सेक्रीफाइसेस ज़रूर है इनकी लाइफ में लेकिन स्पिरिचुअल होते चले जा रहे हैं, भगवान पे, ऊपर वाले पे विश्वास, यूनिवर्स पे, गॉड पे विश्वास बढ़ता चला जा रहा है इनका। द फूल की एनर्जी बता रही है कि डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, जो भी इनसे पास्ट में हुआ उसके लिए सॉरी बोलना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं कि गलती हो गई थी उनसे पास्ट में, नादानी में, बट अभी डेफिनेटली चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ही ज़्यादा दर्द में है, पेन हो रहा है, ठीक है, और थोड़ा डर भी दिखाई दे रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि
आप इनसे अब प्यार नहीं करते हो, क्योंकि अब आपने भी इनको स्टॉक करना बंद कर दिया है, आपने भी इनके पीछे पीछे भागना बंद कर दिया है, तो एक टेंशन ये भी इनको खाए जा रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, बहुत एसिस के कार्ड आ गए हैं। सो अगेन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आपके पास बहुत जल्द कोई ना कोई प्रपोजल लेकर के आएंगे, आपके पास बहुत जल्द कुछ ना कुछ ये ऑफर करेंगे। वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, और अगर आप भी विश कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी लिखिए रीयूनियन, क्योंकि रीयूनियन यहाँ पर मैनिफेस्टेशन आ रहा है। सो बहुत जल्द अगर आपने मैनिफेस्ट किया है यहाँ पर कि रीयूनियन आप दोनों का हो जाए, तो बहुत जल्द ये रीयूनियन की सिचुएशंस बनेंगी और आपके पार्टनर आपके पास ज़रूर से ज़रूर लौट करके आएंगे। सो आपकी मैनिफेस्टेशंस भी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप भी कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को मांग रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हो, तो वही प्रेयर्स का कमाल बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। ओके गाइस, तो ये थे आज की रीडिंग, ये थे आज के कार्ड्स। आई होप आपके साथ रेजोनेट किए होंगे, अगर हाँ तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, ओके, और क्लेम ज़रूर कीजिएगा कार्ड्स को, रीडिंग को 111 बशंग बली का यूनिवर्स का एंजल्स का थैंक यू करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।